हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीपीसी रवि सर। प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का, तो पहले वो देख लीजिए। ये पार्ट टू है जिसमें हम विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र जो है उसका अगला पार्ट है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। हमने बल रेखाओं तक, विद्युत बल रेखाओं तक उसमें पढ़ लिया था। अगला और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण, भाई जो मैंने 5 साल के पेपर देखे हैं राजस्थान बोर्ड के, मैं राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो उसमें द्विध्रुव जो आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। मैं पर्टिकुलर एक बोर्ड की बात नहीं कर रहा, एनसीआईटी में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। चाहे आप कहीं से भी हैं, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, एनसीआईटी से रिलेटेड पढ़ाई करवा रहे हैं हम। तो विद्युत द्विध्रुव को समझते हैं। तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव है क्या। तो भाई विद्युत जो द्विध्रुव है, नाम से पता चल रहा है, विद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया कि जिसमें दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव यानी कि दो आवेश। तो परिभाषा इसकी बनती है कि दो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो बनने वाला निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। पहले द्विध्रुव पढ़ रहे फिर आघूर्ण पढ़े। इसका मतलब दो आवेश जो हैं परिमाण में समान हैं, किंतु उनकी प्रकृति कैसी है? विपरीत है। विपरीत प्रकृति के दो आवेश हैं, बहुत ही स्मॉल दूरी पर रखे हैं, अति अल्प दूरी पर, बहुत ही छोटी दूरी पर रखे हों, तो उनसे जो बनने वाला निकाय है वो निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। इसको समझते हैं बेटा कि जैसे आपके पास है NaCl को हम देखें तो NaCl में होता है आपके पास Na और Cl, तो Na प्लस का और Cl माइनस का होता है। तो इसका मतलब NaCl में जो Na है वो प्लस का आवेश है Na पर, और Cl पे माइनस का आवेश है। इस पर जितना प्लस का आवेश है, Cl पे उतना ही माइनस का आवेश है। और इनकी जो बंध की दूरी है, ये बंध की दूरी लगभग लगभग जो है 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, यानी कि ये बहुत छोटी दूरी है। तो यहाँ पर दो विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर है, तो इससे बनने वाला जो निकाय है वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब ये हो गया भाई समझने की, और बहुत अच्छी बात ये निकल के आई कि जो बंध की दूरी है इतनी छोटी दूरी होती है द्विध्रुव की, है जी। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास है HCl की बात करें तो H प्लस का होता है इसमें, Cl माइनस का, तो यहां भी जितना प्लस का आवेश है उतना ही माइनस का आवेश है, और दोनों आवेश परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, और दोनों ही बहुत ही छोटी दूरी यानी कि अल्पांश दूरी पर रखे हैं, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हैं। तो बनने वाला निकाय, इनसे HCl से NaCl ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे बनने वाला निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर द्विध्रुव का चित्र बनाए तो इसमें प्लस का आवेश होता है और एक माइनस का आवेश होता है, दोनों के बीच की दूरी अति अल्प होती है। ये हमने बनाया है ऐसा, थोड़ा दूरी ज्यादा दिखाई है क्योंकि इसको अच्छे से हम समझ सके, इतना सा फर्क है। बाकी आपको ध्यान रखना है ये दूरी बहुत ही छोटी है, और इस दूरी को हम ले लेते हैं कि ये दूरी है। कुछ किताब वाले इसको 2a लिखते हैं, कुछ किताब वाले 2l लिखते हैं, कुछ किताब वाले 2r लिखते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, ये समझते। 2a का मतलब हो गया द्विध्रुव के बीच की दूरी, 2 का मतलब हो गया द्वि, और ध्रुव मतलब दो, प्लस का और माइनस का, इसका मतलब इतना सा है। अच्छा, द्विध्रुव में डबल दूरी क्यों लिखते हैं, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊं कि इसके आगे की जो कैलकुलेशन करेंगे द्विध्रुव की,
द्विध्रुव के अक्ष पर और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वहां पर द्विध्रुव के केंद्र से दूरी ज्ञात करते हैं, तो केंद्र से दूरी लेते हैं तो वहां पर 2a का हाफ जो है वो a होता है, तो a को a से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, है ना। और अगर यहाँ दूरी हम a लेंगे तो a से क्या नुकसान है, a से ये नुकसान है कि केंद्र से दूरी इसकी आधी हो जाएगी a बाई टू, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। इस वजह से इसकी दूरी क्या लेते हैं 2a। एक बात वो ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल जब भी इस पे आता है तो ये कंप्लीट दूरी बताएगा, 2a का मान होगा ना कि a का मान होगा, किसका मान होगा 2a का। हाँ भाई और देखते हैं, तो इसका मतलब और जो ये प्लस का और माइनस का आवेश इससे बनने वाला जो ये निकाय है, ये निकाय ही आपका कहलाता है द्विध्रुव। क्या कहलाता है बेटा, द्विध्रुव। ठीक है, फिर बात आई द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इनमें थोड़ा सा फर्क है और द्विध्रुव आघूर्ण बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखते हैं। ये द्विध्रुव हो गया आपके पास द्विध्रुव, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण को देखें तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखते हैं बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण इसकी परिभाषा देखें तो किसी एक आवेश का परिमाण, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, द्विध्रुव के ए प्लस का ए माइनस किसी का भी एक का परिमाण लेंगे तो प्लस का आ जाएगा, किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है जी, तथा द्विध्रुव के बीच की दूरी, द्विध्रुव के बीच की दूरी, द्विध्रुव की बीच की दूरी के गुणनफल को, द्विध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की कोई ना कोई दिशा होगी, और दिशा कहाँ होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की अक्ष पर दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, और वैसे बल रेखाएं होती है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। अच्छा सदिश राशि है, दूसरा इसको पी सदिश से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं बेटा, ये पी सदिश है इससे दर्शाएंगे, ठीक है। अच्छा इसका सूत्र बनाएं तो सूत्र क्या बनेगा, इसका मतलब किसी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं, तो एक आवेश है प्लस का और ये माइनस का, मान लीजिए प्लस का क्यों आवेश था और ये आपके पास माइनस का क्यों आवेश था, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, किसी एक आवेश का परिमाण तो ये Q इंटू बीच की दूरी द्विध्रुव की वो 2a है, तो आपके पास आ जाएगा Q इंटू 2a, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास मान आ गया P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो ये आ गया द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव में फर्क है, द्विध्रुव का मतलब ओनली फॉर ये है कि द्विध्रुव होता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण उसके गणितीय मान को बताता है, किसको बताता है, गणितीय मान को, और यह दिशा का भी बोध करवाता है, ठीक है। तो परीक्षा में अगर द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण ही लिखना है, ये वाली परिभाषा आएगी। विद्युत द्विध्रुव पूछेगा तो विद्युत द्विध्रुव, लेकिन एक बार बता दूं आपको बोर्ड के पेपर्स के 5 साल के अगर आप देखेंगे जो मैंने डाल रखे हैं उनमें द्विध्रुव आघूर्ण बहुत बार पूछा गया, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आपको इस तरह से ये वाली परिभाषा लिखनी है ना कि ये वाली, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका मान आ गया द्विध्रुव आघूर्ण का, हम निकाल देते हैं यहाँ पर मात्रक और विमा, तो भाई पी इज इक्वल टू आपके पास था, पी इज इक्वल टू क्या है, पी इज इक्वल टू है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, इसका मतलब ये हो गया कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो आपके पास मात्रक है वो मात्रक बन के आएगा, आवेश का मात्रक है कूलाम है और दूरी है 2a, क्या है पूरी दूरी है और दूरी का मात्रक है मीटर, तो मात्रक आ गया कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। और विमा लिखना चाहो द्विध्रुव आघूर्ण की तो विमा आपके पास आ जाएगी, देखो भाई m0 l यहाँ दूरी है तो l1 t0 और आवेश है तो a1 T1 है, तो इसका मतलब T0 हट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगी M1 L1 T1 A1, ये आपके पास विमा आ गई द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। फिर यहां से बड़ा क्वेश्चन उठाता है द्विध्रुव आघूर्ण से, तो फिर ये पूछता है कि द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष पर और द्विध्रुव आघूर्ण के निरक्ष पर, या कई बार ये भी दे देता है कि द्विध्रुव आघूर्ण के
विषुवतीय रेखा पर है ना विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि अक्ष और निरक्ष क्या होते हैं इसके। तो देखिए सबसे पहले हम अक्ष की बात करते हैं, तो भाई ये मैंने बनाया द्विध्रुव, ये प्लस का आवेश है और ये आपका माइनस का आवेश है, दोनों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी इसकी 2a है, बीच की दूरी कितनी लेते हैं द्विध्रुव की 2a, ठीक है। तो भाई दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको अगर हम केंद्र से होते हुए, केंद्र है मान लिया द्विध्रुव का केंद्र O है, तो मिलाने वाली रेखा को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जो रेखा प्राप्त होती है जो केंद्र से जा रही है और सीधी रेखा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, ये कहलाती है द्विध्रुव का अक्ष। क्या कहलाती है? द्विध्रुव का अक्ष, ध्यान रखना, ठीक है। तो अक्षीय रेखा कौन सी कहलाएगी? द्विध्रुव की, द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाएगी जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा केंद्र से जा रही हो सीधी, ठीक है, तो वो रेखा कहलाएगी द्विध्रुव की अक्षीय रेखा। फिर निरक्षीय रेखा क्या होगी तो वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है, एक द्विध्रुव है, ये 2a है सब, ठीक है, और ये द्विध्रुव का केंद्र है। तो भाई निरक्ष का मतलब है कि द्विध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसके लंबवत, मिलाने वाली रेखा के लंबवत, मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है, ये केंद्र से गुजर रही द्विध्रुव के, द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो रेखा होती है ये कहलाती है द्विध्रुव का निरक्ष। क्या कहलाई? द्विध्रुव का निरक्ष, निरक्षीय रेखा भी कह सकते हैं इसको, निरक्षीय रेखा। और इसको हम बोल देते हैं अक्षीय रेखा, इसको क्या बोल देते हैं? अक्षीय रेखा, ऊपर वाली को, और इसको बोल देते हैं निरक्षीय रेखा, ठीक है। तो इसका मतलब अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो कोई ना कोई बिंदु हम यहाँ अक्ष पर लेंगे, चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए। और निरक्ष की बात होगी तो कोई जहां भी हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, चाहे ऊपर बिंदु होगा चाहे नीचे होगा, और वहां पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो अगला टॉपिक हम ले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ज्ञात कर देते हैं, तो देखिए ध्यान से टॉपिक ले लेते हैं अगला, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है जी, किस पर? विद्युत द्विध्रुव पर के अक्ष पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। कैलकुलेशन में अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो पूरी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो डायग्राम पे फोकस करना, डायग्राम को ध्यान से देखना, चाहे रिवाइज करके एक बार देखना पड़े, है जी। तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। तो ये आपका प्लस का आवेश और ये माइनस का आवेश, द्विध्रुव बना दिया हमने, ये आपका माइनस का आवेश, दोनों के बीच की दूरी है 2a, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a, ठीक है। अब अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है तो मान लीजिए ये बिंदु अक्षीय रेखा पर इधर रखा है, यहां पे बिंदु P है आपका, ये बिंदु P है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, और द्विध्रुव के केंद्र से जो बिंदु P लिया है, हमेशा ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जब भी दूरी लेंगे तो वो द्विध्रुव के केंद्र से काउंट होगी। कहां से काउंट होगी? केंद्र से, चाहे अक्ष के लिए कैलकुलेट करें और चाहे निरक्ष के लिए। तो वही द्विध्रुव का ये केंद्र है तो ये दूरी हो जाएगी आपके पास a, और ये दूरी भी हो जाएगी a क्योंकि टोटल दूरी है 2a। तो द्विध्रुव के अक्ष से जो p बिंदु की दूरी है वो माना x है, द्विध्रुव के केंद्र से p बिंदु कितनी दूरी पे रखा है, माना x दूरी पे रखा है, ठीक है। तो वही x दूरी पे रखा है, हमेशा जो बिंदु होगा वो द्विध्रुव के केंद्र से कैलकुलेट होगा, तो केंद्र से दूरी लेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद ये प्लस आवेश P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो प्लस आवेश से उस P बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो ये होगी, देखो ध्यान से समझो, प्लस आवेश से P बिंदु की दूरी देख रहे हैं हम, तो ये टोटल दूरी कितनी है, ये दूरी है आपके पास यहां से लेकर यहां तक की x हमने ले रखी है, तो ये कितनी बच जाएगी, ये a है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस a। अरे बोलो नहीं क्या भाई, दोबारा देखिए,
यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एक्स ले रखी हमने, फिर यहां के बाद ये दूरी बच गई, ये कितनी है, ए है, तो कितनी दूरी हो जाएगी, एक्स प्लस ए, किससे, प्लस आवेश से। माइनस आवेश से इसकी दूरी देखें तो माइनस आवेश से ये दूरी कितनी होगी भाई, यहां से लेके यहां तक की, तो देखो सोचो ये दूरी है एक्स यहां से यहां तक की, ठीक है, और इसमें से अगर ये दूरी कम कर दे और ये दूरी ए, ए दूरी कम कर दी तो ये बच जाएगी एक्स माइनस ए, ये दूरी कितनी बच जाएगी, एक्स माइनस ए। दोनों आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे क्योंकि दी ध्रुव है पी बिंदु पर, तो दोनों की दूरी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां दोनों की दूरी निकाली है। जहां भी बिंदु रखेंगे उसकी दूरी हमेशा कहां से मानेंगे, दी ध्रुव के केंद्र से, दी ध्रुव के केंद्र से कितनी मानेंगे, एक्स, ठीक है। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ प्लस का आवेश है वो पी बिंदु पर जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, माना कि वो इवन विद्युत क्षेत्र कितना है, इवन, तो इवन जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी पी बिंदु पर दिशा किधर होगी, तो प्लस आवेश है तो दिशा बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस आवेश से हमने पढ़ा है कि जो विद्युत बल रेखाएं वो बाहर की ओर होती है, तो इसका मतलब बाहर की ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा इधर पी बिंदु पर, और उसका नाम हम दे देंगे इवन विद्युत क्षेत्र। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये जो बाहर की ओर आया है तो इधर भी तो बाहर की ओर है, तो यहां भी बाहर की ओर ही होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करें तो भी बाहर की ओर होगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन कहां करनी है, हमें तो पी पॉइंट पे करनी है, इसलिए यहां विद्युत क्षेत्र हम इस दिशा में लेंगे, ठीक है, जिधर पी बिंदु वही तो देखेंगे। तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होता है, आउटसाइड होता है, तो इस वजह से विद्युत क्षेत्र, नाम क्या दे दिया उस विद्युत क्षेत्र को, इवन, किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, प्लस आवेश की वजह से। फिर माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर होगी, तो पहले तो हम ये देखें कि माइनस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा तो उसकी दिशा किधर होगी, अंदर की ओर, और उसका नाम मान लेते हैं कि वो विद्युत क्षेत्र क्या नाम का है, E2 नाम का है। विद्युत क्षेत्र जो माइनस का आवेश P बिंदु पर उत्पन्न करेगा उसका नाम हमने क्या दे दिया, E2, ठीक है। अब मैं कुछ आपको विद्युत क्षेत्र सदिश से संबंधित कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ फास्टली, आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी लगेंगी और आप अच्छे से न्यूमेरिकल भी इसके बना सकोगे। तो आपको सदिश के लिए तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, उसमें पहला यह है कि दो सदिश, ध्यान से समझेंगे भाई, अगर दो सदिश मान लीजिए E1 और E2 दो सदिश हैं और वो दोनों एक ही रेखा पर हैं और एक ही दिशा में हैं, तो जब भी उनका परिणामी सदिश हमें याद करना है, परिणामी मान जब भी याद करेंगे और एक ही दिशा में एक ही रेखा पर है तो उनका परिणामी हमेशा ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो यहां परिणामी अगर E माने तो E का मान आ जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। और अगर दो सदिश एक ही रेखा पर हैं लेकिन विपरीत दिशा में हैं, मान लीजिए E1 है और ये E2 है, तो मैं आपको बताऊं कि दो सदिश परिमाण में समान हैं, परिमाण भी छोड़ो कि दो सदिश है एक ही रेखा पर हैं और विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका जब भी परिणामी आपको याद करना है तो आपको उनके परिणामी को घटा देते हैं क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो यहां से आ जाएगा E1 माइनस E2 घटाया क्यों बेटा, क्योंकि दो सदिश एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में, बस सीधा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, वैसे इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एंगल के लिए देखें तो एंगल देखो, मान लीजिए E1 इधर है, E1 सदिश, और यहां पर E2 इधर है, और हमें इन दोनों का परिणामी चाहिए, और दोनों जो सदिश और थीटा एंगल पे हैं, परिणामी E चाहिए, तो परिणामी की दिशा किधर होगी, दोनों को दोनों के बीच से निकलती थी, ध्यान हो तो 11th में पढ़ा हमने, और उसकी वैल्यू आती थी, जनरल फॉर्मूला आपका था R=P2+P2+2PQ cos θ, है जी। इसका मतलब ये R मैंने रिजल्टेंट के लिए यहाँ पे, जब अपन R लेते थे इसको P मानते थे इसको Q, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करेंगे तो R की जगह E आ जाएगा, यहाँ पे P की जगह आ जाएगा E1² यहाँ पे E2² और यहाँ से आ जाएगा 2E1E2 cos θ, ठीक है। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई है, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि भाई अगर दो सदिश एक ही रेखा पर एक ही दिशा में हैं तो परिणामी में हमेशा जुड़ते हैं,
और परिणामी की दिशा भी उधर ही मिलती है जिधर दोनों सदिश है। दूसरा हमने बताया कि भाई अगर दो सदिश एक ही रेखा पर और विपरीत दिशा में है तो परिणामी में हमेशा जब भी परिणामी ज्ञात करते हैं तो परिणामी में दोनों घट जाते हैं। अब यहां एक और बात है कि परिणामी की दिशा किधर होगी, तो अगर E1 का मान ज्यादा है, E1 की वैल्यू ज्यादा है तो दिशा इधर रहेगी परिणामी की, अगर E2 का मान ज्यादा है तो दिशा इधर रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि यहां पर E1 ज्यादा है या फिर E2। फिर तीसरी कंडीशन मैंने सदिश की आपको बताई कि E1 और E2 थीटा एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट दोनों के बीच से जाएगा और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब हम हमारे सवाल पे आते हैं। तो सवाल में हमें कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर रिजल्टेंट, तो उसके लिए आप जो डायग्राम है उसको ध्यान से समझ लिए। तो अब देखिए, सबसे पहले हम E1 का जो मान है वो निकाल लेते हैं। तो E1 इज इक्वल टू, पहले ये बताइए E1 किसकी वजह से है, तो मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे, प्लस क्यू जो आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण, और विद्युत क्षेत्र का जनरल फॉर्मूला है E=kq/r2। ध्यान है क्या सबको, है जी, ध्यान रखना है ये फॉर्मूला जनरल इसी से बनाएंगे। तो भाई प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका नाम हमने दे रखा है E1, तो E1 इज इक्वल टू आ जाएगा के तो है कांस्टेंट, आवेश है प्लस का क्यू, एंड अपॉन जो दूरी है वो यहां से इस पी पॉइंट की, क्योंकि यहां हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, वो दूरी है x+a, और यहाँ पे स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र में, तो यहां लगा देंगे स्क्वायर और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपके पास माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसको हमने नाम दे रखा है E2, और E2 आपके पास आएगा KQ/, देखो यहां मैंने आवेश जो माइनस का आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाला है, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां मैंने माइनस चिन्ह नहीं लगाया। ठीक है, विद्युत बल में विद्युत क्षेत्र में माइनस आवेश चिन्ह माइनस का होता है तो भी हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो सदिश राशि है, जो भी चिन्ह आएगा वो सदिश की वजह से ऑटोमेटिक आ जाएगा, जबकि विभव में हम आगे पढ़ेंगे विभव अदिश राशि है तो वहां आवेश हमेशा चिन्ह समेत आएगा। तो यहां मैंने यहां चिन्ह नहीं लगाया माइनस का, वैसे कैसे लिख दिया के आवेश क्यू है, और दूरी क्या है इस माइनस आवेश की पी बिंदु से, वो है आपके पास x-a और इसका स्क्वायर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर दो। दोनों जो आपके पास है इनका परिणामी ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे चित्रानुसार यानी कि चित्र से परिणामी ज्ञात करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो मैंने अभी आपको बताया कि परिणामी विद्युत क्षेत्र जब भी ज्ञात करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि ये दो सदिशों का परिणामी निकालना है, दोनों विपरीत दिशा में है, मैंने अभी बताया विपरीत दिशा में तो घट जाएंगे, तो आपके पास मान आएगा घटने का या तो E1-E2 आएगा या फिर आएगा E2-E1। अब E2-E1 लिखे या E1-E2, तो ये भी ध्यान से समझ लेना, E1-E2 आएगा या E2-E1, इसके लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले पे देखो, अगर R की वैल्यू इंक्रीज होती है, R की वैल्यू क्या हो रही है, R की वैल्यू यहाँ इंक्रीज होगी तो E की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र उसका कम होगा जिसकी दूरी ज्यादा है, तो यहां से प्लस आवेश की पी बिंदु से दूरी ज्यादा है तो इसका मतलब इसका विद्युत क्षेत्र कम होगा, तो उसको बाद में लिखेंगे, और जिसकी दूरी कम है उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, इसका मतलब ये माइनस का जो आवेश है वो पी बिंदु के पास में है, दूरी कम है तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और इसके विद्युत क्षेत्र को हमने E2 माना है, तो बताओ E1-E2 आएगा E2-E1, तो पता चल गया यहां से आएगा आपके पास E2-E1, तो हम लिख देंगे E2-E1, क्योंकि E2 ज्यादा होगा, इसको दे देंगे समीकरण नंबर तीन। समीकरण एक और दो से मान समीकरण तीन में रख देते हैं और कैलकुलेशन करेंगे, देखो तो E=2 आपके पास आ जाएगा, E2 का मान है KQ/E2 का मान है x-a² - KQ/x+a². दोनों में क्या कॉमन है बेटा, दोनों में KQ कॉमन है, तो E=2 आपके पास KQ कॉमन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x-a² /
एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब यहां से हम ले लेते हैं एलसीएम, यहां से क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब भी लेते हैं तो आपको पता है इधर की जो आपके पास क्वांटिटी है वो इधर आ जाती है, इधर की क्वांटिटी इधर आ जाती है और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। एलसीएम का सबसे अच्छा जो तरीका है मैंने आपको बताया, आप सिंपल देखो 2/3 एंड प्लस 5/6 या फिर 5/7 है तो आपको एलसीएम लेना है तो सिंपल क्या करते हैं 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से गुणा कर दिया, 5 को 3 से और नीचे दोनों को गुणा कर देते हैं, 7 × 21 और का खत्म हो गया। ठीक है, वैसे ही इसको हल करें तो हल करेंगे तो देखो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है चेक करते हैं। तो भाई आपको ध्यान रखना है हम यहां तक पहुंच गए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, ध्यान से समझना है। तो आपके पास यहां से मैं इसको सोल्व करता हूं तो E इज इक्वल टू आपके पास आया KQ और भाई एलसीएम लेंगे तो ये इधर आएगा तो आ जाएगा आपके पास x प्लस ए का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर और अपॉन x प्लस ए का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को और एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, एक प्लस का है एक माइनस का ब्रैकेट है, आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह से लिखा हुआ है तो गणित ये कहती है कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस स्टेप, इस जितने फॉर्मूला इन सबका उपयोग यहां कर रहे हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा KQ और भाई यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax और ये नेगेटिव साइन है और फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 2ax और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर की पावर 4 क्योंकि यहां भी स्क्वायर नहीं स्क्वायर ही रहेगा सॉरी। ठीक है, तो यहां भी आपके पास स्क्वायर है तो a प्लस बी और a माइनस बी है तो उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा e इज इक्वल टू के क्यू और यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax और ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया इज इक्वल टू के क्यू और यहां से आपके पास है 2ax 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, अब भाई इसको हम डाइपोल के लिए पढ़ रहे हैं, द्विध्रुव के लिए पढ़ रहे हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण में इसको चेंज करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण में चेंज करेंगे तो देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं ध्यान से समझेंगे। मैं इस 4ax को इस तरह से लिख सकता हूं क्या आप बताना, e इज इक्वल टू मैंने लिखा के क्यू इंटू 2a, यहां से 2a ले लिया तो बच गया 2x, इसको अलग कर दिया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस बात को ध्यान से समझे कि मैंने यहां से 4ax था इसमें से क्यू के साथ 2a लगा दिया तो यहां से 2a निकाल दिया तो 2x बच गया तो 2x मल्टीप्लाई करके देख लो 4ax आ जाएगा 4ax। तो इसको इस तरह से लिखा, लिखने का कारण क्या था क्यू इंटू 2a क्या होता है पी द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको लिखा तो इसको पी लिख देंगे भाई, पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2a द्विध्रुव आघूर्ण है जी, तो आपके पास आ जाएगा e इंटू इज इक्वल टू के पी और यहां से आपके पास है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे कंडीशन लगाते हैं, यहां कंडीशन लगाएंगे कि जो आपके पास x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन a है, x जो है बहुत ही बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा द्विध्रुव के जो दूरी है द्विध्रुव की दूरी 2a है उसका भी हाफ है a, तो a से a तो बहुत छोटा है, हमने बताया कि जैसे NaCl और HCl है उसकी जो बंद की दूरी है वो कितनी छोटी होती है
तो ये तो बहुत छोटी हो गई एक तो, और x क्या है उस पॉइंट की दूरी है दी ध्रुव से जो ज्यादा होगी। ये तो वही बात होगी कि एक वैल्यू आपके पास 10 है और एक वैल्यू है 0.00000001। तो क्या इस टेन में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो टेन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या ज्यादा? नहीं ना। तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि जो a है a स्क्वायर वो तो अप्रोक्सीमेट इक्वल 0 पहुंच जाएगा, यानी कि नगण्य मान सकते हैं इसको। क्या मान सकते हैं बेटा? नगण्य, है ना, नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो यहां से a स्क्वायर नेग्लेजिबल हो गया तो यहां से क्या बच जाएगा आपके पास, मैं इधर लिख देता हूं तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा E इज इक्वल टू यहां से k p 2x अपॉन यहां से आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा x पावर 4। एक x से एक x कैंसिल, यहां 3 बच जाएगा, तो E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा k p 2kp अपॉन x क्यूब, ठीक है। और वेक्टर में लिखा है इनटू n कैप लगा देंगे। n कैप किसको शो कर रहा है? एंड कैप शो करेगा जो रिजल्टेंट आपके पास विद्युत क्षेत्र आया है उसकी दिशा को। तो ये आ गया आपके पास फाइनल रिजल्ट दी ध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार पॉज करके इसको अच्छे से कैलकुलेशन को, थोड़ी लेंथी है लेकिन डायग्राम से रिलेटेड कैलकुलेशन है, बहुत अच्छे से एक बार करके देखना। आपको नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपको लगे कि स्पीड ज्यादा है तो आप पॉज करके इसको एक बार देख लेना, ठीक है भाई। कमेंट जरूर किया करो वीडियो पे क्योंकि मेहनत करते हैं ना। हाँ जी, तो इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं जिसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डाइपोल मोमेंट के, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के तो प्रोपोर्शनल है, और एक्स क्यूब के क्या है? एंटी प्रोपोर्शनल। अगला टॉपिक ले लेते हैं, ये था अक्षीय रेखा पर, अब हम कर लेते हैं निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय रेखा का चित्र भी बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छा समझोगे तो ही समझ में आएगा, वरना देखो दिक्कत करेगा थोड़ा सा, जैसे इसका चित्र था। अच्छा ये बताओ दी ध्रुव की जब भी दूरी लेते हैं किसी बिंदु की तो कहां से लेते हैं? कमेंट करके जरूर बताना, है कहां से लेते हैं? केंद्र से, ये जान रखना, ठीक है। द्विध्रुव के अगला टॉपिक ले लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा ले लेते हैं, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। भाई चित्र है इंपॉर्टेंट, समझते हैं। यहां बना देता हूं, एक प्लस का आपके पास आवेश है, प्लस का क्यू, और एक है माइनस का, और ये बन गया आपका द्विध्रुव। बीच की दूरी द्विध्रुव की कितनी होती है? 2a। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। ये द्विध्रुव का केंद्र है तो यहां से ये दूरी हो जाएगी a, ये भी a और ये द्विध्रुव का केंद्र। निरक्षीय रेखा हम जानते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके लंबवत, वह रेखा जो केंद्र से गुजरे द्विध्रुव के, वो क्या कहलाती है? उसकी द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। तो भाई यहां से केंद्र से और यहां पर कोई बिंदु आपका P है, ये बिंदु ले लिया हमने कि ये P है यहां पर, और ये दूरी क्या ले लिया हमने? द्विध्रुव के केंद्र से x, हमेशा द्विध्रुव के केंद्र से दूरी लेते हैं तो द्विध्रुव के केंद्र से दूरी क्या ले ली हमने? x। ये दूरी कहां से ली हमने? द्विध्रुव के केंद्र से, ठीक है। तो भाई ये प्लस जो आपके पास आवेश है, ये पी बिंदु है आपका ये, ठीक है। तो P बिंदु पर जो प्लस का आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा ये होगी बाहर की ओर, क्योंकि प्लस आवेश से जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बाहर की ओर होता है, प्लस में बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र, और दिशा होगी बाहर की ओर इस तरह से, और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका नाम हमने दे दिया E1 प्लस आवेश से। जो माइनस आवेश से उत्पन्न होगा उसकी दिशा ये होगी अंदर की ओर। अंदर की ओर क्यों है बेटा? अंदर की ओर इसलिए है क्योंकि माइनस का आवेश है, और माइनस के आवेश से विद्युत जो बल रेखाएं हैं वो विद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश से जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी वो अंदर की ओर होगा, और उसका नाम हम दे देते हैं E2 सदिश। माना ये द्विध्रुव से थीटा कोण बना रहा है और ये भी द्विध्रुव से कितना कोण बना रहा है? थीटा। यानी कि पी पॉइंट जो है दोनों चार्जेस से जो हम एक इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक विद्युत बल रेखा ड्रॉ करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वो कितना कोण ले रही है द्विध्रुव के अक्ष से?
थीटा कोण ले रही है, मान लिया। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझेंगे, मैंने इस लाइन को आगे ड्रॉ किया, ये जो लाइन थी इसको भी आगे ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और एक एक इस ध्रुव का पैरेलल एक रेखा खींच दी गई। ठीक है, क्या किया मैंने, इस रेखा को तो आगे की ओर पहले बढ़ा रखा था, इसको भी आगे की ओर इधर बढ़ा दिया, इसको भी इधर बढ़ा दिया, और दी ध्रुव के एक हमने समानांतर रेखा खींच दी। भैया बताइए कि ये एंगल अगर थीटा है, ये कोण थीटा है, तो आप देखेंगे तो ये इस तरह से, तो ये कोण भी कितना होगा बेटा, ये कोण भी होगा आपका, ये पी पॉइंट है, मैं इधर रख देता हूं इसको, ये कोण भी होगा थीटा। ठीक है, देखो एक ही लाइन पे थीटा क्यों होगा, ये एक ही लाइन पे आपके पास इस लाइन पे दो लाइन पैरेलल कट कर रही है, ये और एक ये लाइन, ये तो वही बात टेंथ में आपने पढ़ा है, दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इस तरह से कट कर रही है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा बेटा थीटा, है जी, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा, एक ही लाइन पे है ये भी, ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्रॉस कर रही है इसको, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो इसके सामने ये कोण भी थीटा, शीर्ष अभिमुख कोण है ये थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि जब भी विद्युत क्षेत्र या कोई भी सदिश थीटा कोण पे आता है तो उसके क्या निकलते हैं, उसके कंपोनेंट करते हैं, घटक करते हैं, तो E1 भी थीटा कोण पे आ रहा है और E2 भी थीटा कोण पे आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के करने पड़ेंगे हमें घटक, तो हमें घटक कर देते हैं, पहले E1 का घटक करेंगे, तो E1 का इधर जो घटक होगा वो बोला जाएगा E1 cos थीटा। घटक करना आपको बता रखा है मैंने, घटक जिसको नहीं समझ में आएगा देख लेना कि जिसके भी घटक करने हैं उसकी तरफ ध्यान करके उंगली इस तरह अपने मेरे जैसे मैंने हाथ किया वैसे करो, तो उसको दोनों तरफ घुमाना, एक बार इधर लेकर आना एक बार इधर, थीटा की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो रही है कम होगी वो cos थीटा, और थीटा जिधर ये जो इधर घुमाएंगे तो थीटा इंक्रीज होगा वो sin थीटा एंगल रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका E1 sin थीटा। ठीक है, ये E1 के घटक आ गए, फिर इसी तरह से E2 के घटक लेंगे, E2 इस डायरेक्शन में है तो इसका इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा इसी रेखा पर, वो होगा E2 cos थीटा, और इधर जो घटक होगा इधर इस लाइन को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, घटक किया है E1 इस डायरेक्शन में था, इधर लेके जाएंगे तो ये वाला थीटा कम होगा तो cos थीटा, इधर लेके आएंगे तो E2 sin थीटा, जिसके भी कंपोनेंट लेते हैं उसको दोनों तरफ लेके जाना है, इसको दोनों तरफ लेके आना है। हाँ जी, अब रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट के लिए देखो भाई, रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है, उससे पहले ये देखो कि ये दूरी a है और ये 90 का एंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये वाला, तो भाई ये डिस्टेंस क्या होगी, ये हो जाएगी आपके पास x² + a² राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का कोण है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में करंट निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आ जाएगा x² + a², ठीक है, क्योंकि ये दूरी a है, ये दूरी x है, तो इसी तरह से ये भी वही आएगा सेम ये वाला, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 का ये थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास x² + a², ठीक है। हाँ जी, परिणामी विद्युत क्षेत्र माना E है, तो E आपके पास आएगा यहाँ पे, पहले अगर एक ही रेखा पे होते तो दोनों आ जाते, लेकिन यहाँ एक विद्युत क्षेत्र के दो दो घटक हो गए, तो टोटल चार परिणामी आपके पास विद्युत क्षेत्र हैं, पहला है E1 cos थीटा और दूसरा आपके पास है E1 sin थीटा, ठीक है, फिर आपके पास है E2 cos थीटा, और फिर मैंने लिखा माइनस E2 sin थीटा, माइनस क्यों लगाया ध्यान से समझेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा तो एक ही डायरेक्शन में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा तो ऐड हो गए, जुड़ गए, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक ही रेखा पर है लेकिन विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे, इसलिए मैंने E1 sin थीटा में E2 sin थीटा घटा दिया। तो भाई यहाँ पे हम देखेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, चित्र से हम E1 का मान निकालेंगे, तो E1 का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, E1 का जनरल फॉर्मूला क्या था, E का K³ / R² तो भाई आवेश तो आपके पास
क्यू है और दूरी आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस आवेश कांड ई वन निकाले हम तो ये दूरी आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आर की जगह रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आवेश प्लस का क्यू है ही, तो आपके पास आ जाएगा ई वन इज इक्वल टू के क्यू और ये आ जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर एक। ठीक है, इसी तरह से माइनस आवेश वाला विद्युत क्षेत्र निकालेंगे ई टू, तो ई टू आपके पास आएगा के क्यू आवेश। देखो यहां भी मैंने माइनस चिन्ह नहीं रखा, माइनस की क्यों नहीं रखा, क्योंकि सदिश में आ जाएगा माइनस ऑटोमेटिक। और यहाँ पे आपके पास ये वाली दूरी कितनी है इस पी पॉइंट से, ये है तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो ये भी आएगा आपके पास ई टू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। देखो यहाँ पे समीकरण जो सेकंड है और थर्ड है इन दोनों से हमें पता है कि E1 और E2 क्या आ रहा है बेटा, बराबर आ रहा है। देखो चेक करो, E1 भी है KQ बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और E2 भी क्या आ रहा है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब E1 और E2 इक्वल है, बराबर है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर चार। समीकरण चार से मान समीकरण एक में रख दें तो या तो सबको E1 में बदल देते हैं या फिर सबको E2 में बदल देते हैं, क्योंकि E1 और E2 इक्वल है, बराबर है, ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर, सबको E1 में बदल देता हूं तो E1 cos थीटा एंड प्लस E1 sin थीटा एंड प्लस E2, E2 को E1 लिख देंगे, E1 cos थीटा एंड माइनस इवन साइन थीटा, तो साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए माइनस आ रहा था, इस वजह से कट गए। तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा E इज इक्वल टू इवन कॉस थीटा, इवन कॉस थीटा तो ये आ जाएगा टू इवन कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया रिजल्ट है। अब हमें कुछ नहीं करना, इवन का इवन की वैल्यू यहाँ समीकरण दो में है वो रख देंगे, कॉस थीटा का मान त्रिभुज से निकाल लेंगे, दो काम करने हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है ये इवन की वैल्यू ये इस समीकरण में रखेंगे समीकरण पांच में, और दूसरा कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी। ठीक है, तो त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ पी, देखो ये वाला त्रिभुज ए ओ पी, इसमें यह थीटा है तो cos थीटा का मान सी हमें cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला है जी, cos थीटा का आधार बटे करण, आधार क्या है बेटा इसमें देखो ये थीटा है, थीटा के सामने हमेशा रहती है लंबभुजा 90 है, ये 90 के सामने रहती है करण भुजा और बच गई जो आधार, इसका मतलब आधार a है और बटे करण, आधार बटे करण होता है cos थीटा, करण है ये, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एक बटा दो, अंडर रूट की पावर एक बटा दो लिख सकते हैं अंडर रूट को, तो लिख दिया एक बटा दो। इसको दे देंगे समीकरण नंबर छह, इसको क्या दे देंगे बेटा समीकरण नंबर छह। ठीक है, समीकरण छह से कॉस थीटा का मान इसमें यहां रख देंगे और इवन का मान ये रख देंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो सुंदर सा रिजल्ट आएगा आपके जैसा। हमारे पास आ गया था ई जी कर टू इवन टू इवन कॉस थीटा, cos थीटा का मान क्या आया था, cos थीटा हमने कैलकुलेट किया था, cos थीटा आपके पास था a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एक बटा दो, और इवन का मान हमारे पास था समीकरण चार में, ये समीकरण पांच थी cos थीटा वाली, और इसमें मान था के क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों मान यहां रखते हैं और कैलकुलेशन करेंगे तो देखो शानदार सा रिजल्ट आएगा आपके जैसा। E is equal to 2 multiply E1 है KQ upon X square plus A square, ये तो E1 का मान रख दिया and multiply cos theta का मान है A upon X square plus A square की power 1 बटा 2, तो यहां से आ जाएगा E is equal to, देखो ये K और Q into ये 2A, तो इसको एक साथ लिख दिया Q into 2A बना दिया इसको, क्यों बनाए Q into 2A, क्योंकि Q into 2A होता P, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा और द्विध्रुव आघूर्ण क्या डायरेक्शन पे निकाल रहे हैं हम, तो
तो यहां पे देखो एक बात और समझना, यहां पावर एक है, यहां एक बटा दो। और घाते हमेशा जुड़ती हैं, घाते हमेशा जुड़ती हैं, पावर्स ऑलवेज ऐड। तो यहां पर एक है और यहां आधा है, तो एक और आधे से हो जाएगा आपके पास तीन बटा दो, तो यहां पे पावर आ जाएगी तीन बटा दो, ठीक है। और ये बन गया आपके पास, लिख सकते हैं हम, चूंकि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू टू ए, यूजिंग दिस फॉर्मूला सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू के पी अपॉन, हाँ भाई ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर तीन बटा दो, ये हमारे पास एक मान आया। अब वही कंडीशन लगाएंगे कि जो ए है वो दी ध्रुव के जो है आधी दूरी है दी ध्रुव की, और दी ध्रुव बहुत छोटी दूरी होती है दी ध्रुव के बीच की, तो ये तो भाई एक्स से बहुत, एक्स जो है उससे बहुत बड़ा है, इससे एक्स इज ग्रेटर देन ए, और एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर जो है वो तो अप्रोक्सीमेट जीरो है, यानी कि नगण्य हो जाएगा एक्स की तुलना में, बोलो नहीं क्या? इसका मतलब ए स्क्वायर को नगण्य करेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू के पी अपॉन, यहां से ए स्क्वायर को तो जीरो कर दिया, नगण्य कर दिया, जीरो का मतलब नगण्य, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटा दो, आ गया एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटा दो, और स्क्वायर से एक बटा दो कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आ जाता है ई इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब। यह आ गया दी ध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और सदिश रूप में लिखेंगे, यहां लगाते हैं एंकर, ये आ गया इसका सदिश रूप। तो विद्युत दी ध्रुव के अक्ष पर, ये तो आया है निरक्ष, इसको लिखते हैं ई निरक्ष, किस पे आए निरक्ष पे, और अक्ष पे क्या आया था ई अक्ष, आपके पास आया था ई अक्ष इज इक्वल टू टू के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये किस पे आया था निरक्ष पर, अक्ष पर, ये निरक्ष पर, दोनों में देखो अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो दुगुना मिलता है किससे, निरक्ष से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ई अक्ष है और ई अक्ष और ई निरक्ष का अनुपात अगर हम लिखें तो वो आ जाएगा आपके पास दो बटे एक, यानी कि ई अक्ष अनुपात या रेशियो ले लेते हैं हम इसका, ई निरक्ष इज इक्वल टू आपके पास आएगा दो अनुपात एक, ठीक है। ध्यान दें ये कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आप आठवां चैप्टर पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और जो चुंबक आएगा वहां पे, चुंबक के भी अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे तो सेम ऐसी ही कैलकुलेशन होगी, क्योंकि वहां भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं पी और एन, ठीक है। चुंबक भी दी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है, तो आठवें पार्ट में भी सेम कैलकुलेशन ऐसे की ऐसे होने वाली है। तो इस कैलकुलेशन को एक बार करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इससे पहले वाले जो डायग्राम बताया उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और फिर इसको एक बार करके देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके चुंबकीय क्षेत्र में भी कैलकुलेशन ऐसे कैसे काम आ रही है, वो का वो डायग्राम है, क्लियर है। तो भाई उसके बाद तो हम अगला और लास्ट टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मैं बार बार बताते आ रहा हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं समान दूरियों पर होती हैं और समान दिशा में होती है, ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, तो ये आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, जैसे आपके पास ये है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हमने ले लिया, क्योंकि बल रेखाएं समान दूरियों पर हैं और समान दिशा में है, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में माना कोई द्विध्रुव रखा है, ये द्विध्रुव आपका रखा है इस तरह से, ये माइनस का आवेश है द्विध्रुव का और ये प्लस का आवेश, और द्विध्रुव की दूरी जो है वो मान लेते हैं कितनी है 2a, द्विध्रुव जो है दूरी कितनी मानते हैं हमेशा 2a, ठीक है। और माना द्विध्रुव कितने कोण बनाते हुए रखा है इस विद्युत बल रेखाओं के साथ, विद्युत बल रेखाओं के साथ माना ये द्विध्रुव जो है वो थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ये कोण कितना है थीटा,
अब हम बल आघूर्ण पढ़ते हैं तो बल आघूर्ण हमें पता है कि बल आघूर्ण जो है उसका सूत्र होता है, हमें द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करना है और बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टॉस से। बल आघूर्ण होता है बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, बल गुणा जो भी क्रियाकारी बल है बलों के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। और एक बात और समझ लेंगे कि ये द्विध्रुव जो है, इस द्विध्रुव को जब भी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्लस आवेश पर जो भी विद्युत बल लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, वो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस आवेश से जो भी बल लगता है वो जो भी विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में लगता है। इसीलिए तो ये द्विध्रुव को क्या हो जाए, गुम कर देगा, ये दोनों बल घुमा देंगे। वैसे तो दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन इनकी क्रियाकारी जो रेखा है वो अलग अलग है, इसलिए द्विध्रुव को क्या कर देंगे, घुमा देंगे। अब एक बात आती है, क्रियाकारी रेखा क्या होती है, यानी कि भाई अगर दोनों बल, मैंने एक बल इधर लगाया उतने परिमाण में, एक बल इधर लगाया विपरीत दिशा, अगर दोनों बल यहां लग रहे हैं तो ये नहीं घूमेगा, समझ गए, नहीं घूमेगा तो कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन एक बल मैंने यहां लगाया और एक बल यहां लगाया तो अब बल उतने ही है परिमाण में, तो भाई एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, तो ये इसको क्या कर देगा, घुमाएगा। घुमाएगा तो बल किस में चल जाता है, बल आघूर्ण में, ठीक है। इसका मतलब एक बल यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, तो दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी हमें ये चाहिए, ये है इस बल की दूरी, ये बल जो है इसकी क्रिया रेखा तो ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है, तो लंबवत दूरी ये होगी, ये होगी, यही होगी ना, तो ये हमें लंबवत दूरी चाहिए। बल तो आपके पास कितना आ जाएगा, टो बराबर बल तो आ जाएगा क्यू ई, कोई भी एक बल ले लेंगे जिसका परिमाण क्यू ई होगा और गुणा उनके बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी इसका मतलब हमें ये चाहिए, ठीक है। अब ये दूरी निकालना है तो क्या करें, फिर वही हमें फॉर्मूला लगाते हैं चित्र में, इसको नाम देते हैं ए, इस त्रिभुज बन गया ना, इसको नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये जो हमें निकालना है तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है आपके पास लंब बटे करण, और थीटा के सामने लंब भुजा, इसका मतलब ये बी सी और बटे करण, करण है ए सी, ठीक है। ए सी का मान आपको दे रखा कितना है 2a, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2a, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आ जाएगा 2a साइन थीटा, इसका मतलब ये लंबवत दूरी कितनी आ गई 2a साइन थीटा, ये दूरी आपकी कितनी आ गई 2a साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब फलों के बीच लंबवत दूरी है ये 2a साइन थीटा, ये यहां रख देंगे भाई, ये तो 2a साइन थीटा, ठीक है। अब क्यू इंटू 2a को एक साथ लिख देंगे, q into 2a को, तो आपके पास ये q into 2a को एक साथ लिख दिया और e sin theta, q into 2a को क्या बोलते हैं, p द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि p बराबर होता है q into 2a, तो यहां से tau is equal to आपके पास आ जाएगा p e sin theta, ठीक है। और बल आघूर्ण सदिश राशि है तो ये आपके पास आ जाएगा tau सदिश is equal to p sin theta, इस p sin theta को ऐसे भी लिख सकते हैं tau is equal to p cross e, क्योंकि भाई आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा है, a सदिश क्रॉस b सदिश को हम लिखते हैं ab sin theta, तो अगर ab sin theta लिखा हुआ है तो उसको a cross b लिख सकते हैं, तो यहां p sin theta लिखा है तो इसको p cross e लिख सकते हैं, और अगर p cross e है तो उसको p sin theta लिख सकते हैं, बोलो नहीं क्या। अब चाहो तो आप इस पे केस लगा सकते हैं, स्थिति लगाए थीटा का मान जीरो हो तो क्या होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा क्या, थीटा, ये थीटा जीरो है तो साइन जीरो का मान जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, तो का मान जीरो, इसका मतलब ये अगर इस ऐसे रखा है द्विध्रुव ऐसे रखा है तो बलों की क्रिया रेखा एक दिशा आ जाएगी तो ये नहीं घूमेगा, और 90 कर देंगे साइन थीटा का मान, तो मैक्सिमम होता है 90 पे मैक्सिमम, यानी कि एक आ जाएगा साइन थीटा का मान, तो आ जाएगा पी, तो डबल पे रखेंगे इस तरह से द्विध्रुव को, तो सबसे ज्यादा घूमेगा, सबसे ज्यादा बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो भाई ये जो पहला चैप्टर है ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, अब न्यूमेरिकल सेशन जो इसका है मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें न्यूमेरिकल भी चाहिए इस चैप्टर के, जो मोस्ट मोस्ट है एनसीईआरटी से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, जो भी सीबीएसई से रिलेटेड, जो भी आपका बोर्ड है
न्यूमेरिकल सेशन में इसका बढ़ा दूंगा अगर आप कहोगे तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।